इन्हीं चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी बद्री के कारण ही इसका नाम बद्री पड़ा। यहाँ पहले सियोर पार्वती जी का स्थान था। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाई और नन्द नारायण की मूर्ति है। इसके समीप ही श्री देवी और भू देवी हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने आप धरती पर प्रकट हुई थी। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की बेदी है। यह 2000 वर्षों से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र में असुरों का बड़ा आतंक था। वो इतना उत्पात मचाते थे कि ऋषि मुनि ना तो पूजा कर पाते थे और ना ही ध्यान साधना, ना मंदिर में और ना आश्रम या गुफा में। ये असुर ऋषि मुनियों को खा जाते थे। असुरों के इस उत्पात को देखकर ऋषि अगस्त्य ने सहायता के लिए माँ भगवती का आवाहन किया, जिसके बाद माता कुष्मांडा देवी के रूप में वहाँ प्रकट हुईं और अपने त्रिशूल और कटार से सारे असुरों, राक्षसों और दानवों का वध कर दिया। लेकिन आतापी और वातापी नाम के दो असुर माँ कुष्मांडा के क्रोध से बचकर भागने में कामयाब हो गए। इसमें से आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया, जबकि वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर घुसकर छुप गया। इसके बाद से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया और यहाँ परंपरा आज भी चलती आ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार विशेष आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाती हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूक्षरण भी हो सकता है। ऐसे इलाकों में इस तरह की आवाज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि भूस्खलन हो। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे का कारण यह भी है कि वहाँ का अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकरा कर प्रतिध्वनि पैदा करती है, जिसकी वजह से बर्फ में दरार पड़ने व बर्फीली तूफान आने की आशंका रहती है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।